Hello students, welcome to online session 10 of chapter 3, that is advanced JavaScript, which is for 12 science students. आते हैं 10th session में, student हम एक program करते हैं. Okay, write a JavaScript event driven program to check the entered number is prime number or not. Okay, user से number लेना है और उसके बाद check करना है कि user ने जो number enter किया है क्या वो prime number है या नहीं है. Prime number क्या होते हैं? Prime number वो numbers होते हैं जो या तो one से divide होते हैं या तो वो खुद से ही divide होते हैं but किसी और number से divide नहीं होते हैं. Okay, for example जैसे 1, 3, 5, 7 then 11, 13, 17 these are called as a prime numbers. Okay, वो वन से भी डिवाइड होते हैं और इटसेल्फ से भी डिवाइड होते हैं. तो हमें चेक करना है यूजर ने जो नंबर डाला है वो प्राइम नंबर है या नहीं है. उसके लिए चलिए स्टूडेंट स्ट्रक्चर बना देते हैं. डॉक टाइप HTML हेड टाइटल में हम देते हैं प्राइम नंबर टाइटल क्लोज हेड क्लोज बॉडी टैग स्टार्ट बॉडी टैग क्लोज HTML टैग क्लोज फॉर्म बनाते हैं स्टूडेंट. यहाँ पे दिया फॉर्म नेम इक्वल्स टू F1 ओके एंटर एनी नंबर उसके लिए यूजर को टेक्स्ट बॉक्स देना है इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट नेम इक्वल्स टू A1 एक बटन बनाएंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन वैल्यू इक्वल्स टू चेक प्राइम नंबर देन ऑन क्लिक पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे. ओके यहाँ पे हम देते हैं br टैग फॉर्म टैग को हमने किया क्लोज. अब यहाँ पे लेते हैं हम स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावा स्क्रिप्ट जो भी कोड होगा वो स्क्रिप्ट टैग के बीच में होगा. यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया से num जो कि यूजर से नंबर लेगा num इक्वल्स टू पार्स int यूजर ने जो फॉर्म F1 में A1 टेक्स्ट बॉक्स के में जो वैल्यू डाला उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर और नम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर. ओके अब नंबर आ गया है नंबर आ गया है. यहाँ पर हमने और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई लूप के लिए जो कि चेक करेगा. ओके नाउ फॉर आई इक्वल्स टू 2 ओके I की वैल्यू तब तक चलती रहेगी जब तक I num से कम है. I की हर एक बार लूप में वैल्यू इंक्रीज करेगा +1 देन कंडीशन में आएगा. अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल यूजर ने नंबर दिया 7 ओके सो 7 को पहले चेक करेगा इफ कंडीशन आएगा इफ num नंबर 7 इज मॉड्यूलस बाय I की वैल्यू. ओके एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है ये हमको रिमाइंडर देता है अगर वो 0 है तो क्या वो हमने एक और यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना है ans जिसको हमने इनिशियलाइज किया 1 वैल्यू के साथ. अब यहाँ पे अगर कंडीशन में आया दैट मीन्स वो किसी ना किसी नंबर के साथ डिवाइड है. ओके सो वो प्राइम नंबर नहीं है लूप से बाहर आ जाएगा चेक करेगा इफ ns इक्वल्स टू 1 देन अलर्ट क्या देगा पहले बताएगा नंबर में कौन सा नंबर है प्लस उसके साथ आएगा इज अ प्राइम नंबर. ओके एल्स बताएगा अलर्ट नंबर की वैल्यू बताएगा उसके साथ इज नॉट अ प्राइम नंबर. ओके और यहाँ पे अब मुझे ये फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो ऊपर हम कीवर्ड यूज करेंगे फंक्शन. सपोज मैंने दिया डिस्प्ले कर्ली ब्रैकेट्स ऑन और ये कोड जहाँ खत्म हो रहा है कर्ली ब्रैकेट्स खत्म. ओके यहाँ पर हम फंक्शन
को कॉल करेंगे बटन के ऊपर डिस्प्ले। चलिए देखते हैं, फाइल को हमने सेव किया। प्राइम नंबर्स डॉट एच टी एम एल हम ओपन विथ फायरफॉक्स। यहाँ पे देखिए नंबर मिल रहा है, यहाँ पर इंटर एनी नंबर, यूजर ने नंबर टाइप किया 4, चेक द प्राइम नंबर, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाय 1, 2 एंड 4 इटसेल्फ। ओके, यहाँ पे यूजर ने नंबर दिया 7, 7 नंबर इज अ प्राइम नंबर क्योंकि 7 नंबर या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या तो 7 से, लाइक दैट 11। ओके, 11 नंबर इज अ प्राइम नंबर। देन अगर हम यहाँ पे देते हैं 9, सो 9 नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, यहाँ पर हमने प्रोग्राम सीखा प्राइम नंबर किस तरह से काम करता है। देखिए यूजर ने नंबर दिया 9, लूप में जाएगा, ओके चेक करेगा नंबर 9 है, 9 इज डिवाइडेड बाय 2, क्या रिमाइंडर 0 आता है? नहीं, लूप में आगे बढ़ेगा। अब आई की वैल्यू क्या हुआ थी? 2, 2 प्लस 1 कम्स टू 3। ओके, तो 9 को 3 से डिवाइड करेगा। ओके, 9 को 3 से डिवाइड करेगा मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, लूप बाहर आ जाएगा। ओके, अब ये क्या करेगा, चेक करेगा कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, 1 है, तो ये नंबर क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमने सीखा कि किस तरह से प्राइम नंबर हमें फाइंड आउट करना है। मिलते हैं SOPs में, आते हैं स्टूडेंट्स SOPs पर, जावास्क्रिप्ट के SOPs। वैसे लास्ट HTML में हमने आपको बताया था कि एज पर बोर्ड के हिसाब से वैसे मिनिमम हमें 12 करने थे, जिसमें से एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग के 5, जावास्क्रिप्ट के 4 और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग PHP के 3। तो 25% रिडक्शन के बाद जो है एडवांस वेब डिजाइनिंग के हमको 3 करने हैं, जावास्क्रिप्ट के 2 करने हैं और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के 2 करने हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं जावा स्क्रिप्ट के। ओके, नाउ SOP 1 जावास्क्रिप्ट में देखिए क्या बोल रहा है, क्रिएट अ वेब पेज इन HTML हैविंग अ वाइट बैकग्राउंड एंड 2 बटन ऑब्जेक्ट। हमें HTML में एक वाइट बैकग्राउंड वाला पेज और उसमें 2 बटन्स होने चाहिए। राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड यूजिंग जावास्क्रिप्ट सच दैट व्हेन द माउस इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट बटन ऑब्जेक्ट विदाउट क्लिकिंग, मतलब हमें सिर्फ माउस को प्लेस करना है, द कलर ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द पेज शुड बी चेंज्ड आफ्टर एवरी डैश सेकेंड्स। डैश मतलब मिली सेकेंड्स के बाद वो बैकग्राउंड का कलर ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए। देयर शुड एटलीस्ट बी 7 डिफरेंट एंड विजिबल डिस्टिंक्ट बैकग्राउंड कलर एक्सक्लूडिंग द डिफॉल्ट कलर। बाई डिफॉल्ट कलर क्या होना चाहिए? व्हाइट। उसके अलावा कुछ पर्टिकुलर सेकेंड्स के बाद बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज होना चाहिए जब हम माउस को कलर वाले बटन के ऊपर प्लेस कर रहे हैं। व्हेन द सेकंड बटन ऑब्जेक्ट इज क्लिक appropriate message should be displayed in the browser status bar. दूसरे बटन के ऊपर जब हम माउस क्लिक करेंगे तो स्टेटस बार में मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। दैट मींस हमें एक वेब पेज बनाना है HTML और JavaScript को यूज करके। चलिए बनाते हैं SOP नंबर 1। दो बटन बनाते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे इनपुट फॉर्म टैग यूज करो, फॉर्म टैग क्लोज। यहाँ पे हेडिंग दे रहे हैं H1 अलाइन इक्वल्स टू सेंटर चेंजेस द बैकग्राउंड कलर ऑन माउस ओवर। ओके, यहाँ पर हमने दिया दो बटन बनाने हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन वैल्यू इक्वल्स टू चेंज कलर। बटन के ऊपर हमें ये टेक्स्ट दिखाना है और उसके ऊपर हमें फिर इवेंट को कॉल करना है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन वैल्यू इक्वल्स टू स्टेटस। ओके, इस तरह से हमने दो बटन्स बनाए। देखते हैं ये दो बटन्स बने हैं या नहीं। फाइल को हमने सेव किया, फाइल सेव। यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाएंगे SOP 1।
वन के अंदर यहाँ पे हमने दिया बैकग्राउंड डॉट एच टी एम एल के एसओपी वन के अंदर राइट क्लिक ओपन विथ। तो यहाँ पे देखो चेंजेस द बैकग्राउंड कलर ऑन माउस ओवर हेडिंग आया, उसके बाद चेंज कलर और स्टेटस, ये हमारे दो बटन क्रिएट हो गए। अब क्या बोल रहा है हमको, जैसे ही मैं माउस पॉइंटर को चेंज कलर वाले बटन पर लेकर जा रही हूँ माउस ओवर, ओके, सो ये बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए जो कि बाय डिफॉल्ट जो है वो व्हाइट कलर है, उसके अलावा 7 अलग अलग कलर्स आने चाहिए। चलिए देखते हैं, उसके लिए हमें यूज करना है स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावा स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट। ओके, यहां पे हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन एफ वन। एफ वन फंक्शन क्या करेगा, एफ वन फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट बी जी कलर इक्वल्स टू सपोज रेड। ओके, अब कुछ सेकेंड्स के बाद ये कलर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए, तो उसके लिए हम सेट करेंगे उसकी कंडीशन। टाइम सेट करने के लिए विंडो डॉट सेट टाइम आउट एफ टू फंक्शन को कॉल करे और 1200 मिली सेकेंड्स तक ये रहे। ओके, ये हमारा एक फंक्शन बन गया एक कलर के लिए। इसी तरह हमें 7 फंक्शंस बनाने हैं, तो हम कॉपी पेस्ट करते हैं, दिस इज अवर एफ टू फंक्शन की, एफ टू फंक्शन, देन कलर चेंज हो जाए से रेड ग्रीन। यहाँ पे विंडो का टाइम सेट करे 1200 मिली सेकेंड्स के बाद एफ थ्री फंक्शन को कॉल करे। ओके, दिस इज माय एफ थ्री फंक्शन, सो एफ थ्री फंक्शन क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा से ब्लू और 1200 मिली सेकेंड्स के बाद एफ फोर फंक्शन को कॉल करेगा। देन ओके, सो ये हमारा एफ फोर फंक्शन है, एफ फोर फंक्शन क्या करेगा, बैकग्राउंड का कलर चेंज करेगा सो से पर्पल, एंड ये एफ फाइव फंक्शन को कॉल करेगा 1200 मिली सेकेंड्स के बाद। नाउ दिस इज माई एफ फाइव फंक्शन, एफ फाइव फंक्शन क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा से एक्वा और एफ सिक्स फंक्शन को कॉल करेगा 1200 मिली सेकेंड्स के बाद। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एफ सिक्स फंक्शन, ये क्या करेगा, ये बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा टू ऑरेंज और ये एफ सेवन फंक्शन को कॉल करेगा। ओके, इसी तरह एफ सेवन फंक्शन क्या करेगा, एफ सेवन फंक्शन बैकग्राउंड का कलर चेंज करेगा सो से गोल्ड और ये एफ वन फंक्शन को कॉल करेगा। एफ वन फंक्शन क्या करेगा, वापस हमारे बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज करेगा। ओके, तो ये हमारा स्क्रिप्ट में हमने फंक्शंस बना दिए हैं, 7 कलर्स हमें चेंज करने हैं। अब इन फंक्शन को हमें बटन पे कॉल करना है, सो यहाँ पे आएगा ऑन माउस ओवर इक्वल्स टू, ओके, ऑन माउस ओवर बटन पर जैसे ही हम माउस प्लेस करें तो क्या होना चाहिए, विंडो डॉट सेट टाइम आउट एफ वन फंक्शन को कॉल करेगा और 1200 मिली सेकेंड तक रहेगा। ओके, इसी तरह सेकेंड बटन पे क्या हो, ऑन क्लिक इक्वल्स टू विंडो डॉट स्टेटस इक्वल्स टू माउस इवेंट इज ट्रिगर्ड। ओके, ये स्टेटस बार में हमें जो है वो स्टेटस दिखाएगा। ओके, चलिए सेव करते हैं फाइल को, हमने सेव किया, रिफ्रेश,
देखिए जैसे ही मैंने माउस पॉइंटर यहाँ पर मूव किया, ऑटोमेटिकली सिर्फ पॉइंटर रखने पर ही हमारे बैकग्राउंड का जो कलर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। आते हैं नेक्स्ट। ये फर्स्ट पेज हमने क्रिएट किया स्टूडेंट, फर्स्ट पेज में हमने बटन क्रिएट किया। जब कलर वाले बटन के ऊपर हम माउस को प्लेस कर रहे थे तो हमारे बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा था, वेब पेज के बैकग्राउंड का कलर। और स्टेटस बार पर क्लिक करने के बाद क्या आएगा, आपको स्टेटस बार में मैसेज दिखाई देगा। नाउ क्रिएट अनदर वेब पेज यूजिंग जावा स्क्रिप्ट वेयर द बैकग्राउंड कलर चेंजेस ऑटोमेटिकली आफ्टर एवरी फ्यू सेकेंड्स। ओके, दिस इवेंट मस्ट बी ट्रिगर्ड ऑटोमेटिकली आफ्टर द पेज गेट्स लोडेड इन द ब्राउजर। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हम बटन पर जैसे ही माउस को प्लेस कर रहे थे तो हमारे वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा था, यहाँ पर जैसे ही पेज को हम ब्राउजर में लोड कर रहे हैं तो वैसे ही बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। देयर शुड एटलीस्ट बी 7 डिफरेंट विजिबल डिस्टिंक्ट बैकग्राउंड कलर्स व्हेन द पेज इज अनलोडेड, द अप्रोप्रिएट अलर्ट मैसेज शुड बी डिस्प्ले। जब हम पेज को अनलोड कर रहे हैं तो एक मैसेज जाना चाहिए और जब लोड कर रहे हैं तब जो है वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। चलिए इससे रिलेटेड हम सेकंड फाइल क्रिएट करते हैं। सेकंड फाइल का स्ट्रक्चर बना दिया स्टूडेंट। नेक्स्ट आते हैं चेंजेस द बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिकली। यहां पर स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे, स्क्रिप्ट type equals to text oblique javascript, script tag close, same function f1 function क्या करेगा, document dot bg color equals to say yellow, then window dot सेट टाइम आउट क्या करेगा, F2 फंक्शन को कॉल करेगा और 1200 मिलीसेकंड्स तक रखेगा। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन बन गया, इसको ही हम 7 टाइम्स कॉपी करेंगे। ये सेकेंड F2 क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा, रेड सपोज पिंक, ये F3 को कॉल करेगा, F3 फंक्शन बनाएंगे, ये क्या करेगा, ये बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा टू रेड और F4 फंक्शन को कॉल करेगा, ये F4 को कॉल करेगा, F4 क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा से ग्रीन और F5 फंक्शन को कॉल करेगा 1200 मिलीसेकंड्स के बाद। दिस इज माय F5 फंक्शन। ओके, ये क्या करेगा, ये बैकग्राउंड कलर ब्लू करेगा और 6 को कॉल करेगा, ये 6 क्या करेगा, और 7 को कॉल करेगा, ये 7 क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा और यहाँ पे F1 को कॉल करेगा ताकि कंटिन्यूसली हमारा बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज होता रहे। अब ये कब होगा, जब हम इस पेज को ब्राउजर में लोड करेंगे। सो ऑन लोड equals to window dot set time out F1 function को call करे और 1200 milliseconds तक रहे। okay, on unload equals to alert, on unload alert message आना चाहिए क्या, the page is अनलोडेड। ओके, चलिए देखते हैं, फाइल को हमने सेव किया,
यहाँ पे मैंने दिया बैकग्राउंड 1.html एंड सेव। बैकग्राउंड 1 ओपन विथ फायरफॉक्स। ओके, तो यहाँ पर देखो जैसे ही हमारा वेब पेज लोड हो रहा है वैसे ही बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पर कोई भी हेडिंग नहीं है, हम हेडिंग देते हैं बैकग्राउंड 1 में, बॉडी टैग में स्क्रिप्ट टैग से पहले H1 अलाइन इक्वल्स टू सेंटर चेंजेस द बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिकली ऑन लोड इवेंट। ओके, H1 टैग को क्लोज किया, फाइल को हमने सेव किया। यहाँ पर देखिए चेंजेस द बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली जैसे वेब ब्राउजर में पेज को ओपन किया तो वैसे ही हमारे जो बैकग्राउंड के कलर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। ओके, ओपन विथ ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने दो फाइल बनाए, एक को हमने बटन पर जैसे ही माउस पॉइंटर को मूव किया ऑन माउस ओवर तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहे हैं, और एक बनाया ऑटोमेटिकली जैसे ही हमारा फाइल ब्राउजर में लोड हो रहा है वैसे ही यहाँ पर। अब यहाँ पे ऑन लोड इवेंट जो है वो देखिए काम नहीं कर रहा है। ऑन लोड इवेंट मतलब जब भी हम पेज को रिफ्रेश करेंगे, मतलब ऑन अनलोड इवेंट कॉल होगा तो उसके ऊपर अलर्ट मैसेज आना चाहिए। तो अभी वो मैं आपको दिखाती हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर में। ओके, अलो ब्लॉक कंटेंट्स, यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पर पेज को रिफ्रेश किया तो अलर्ट मैसेज कॉल आया द पेज इज अनलोडेड। ये आपको मोजिला और क्रोम में दिखाई नहीं देगा। ओके, यहाँ पर हमारा SOP 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। आते हैं स्टूडेंट्स SOP 2 जो कि हम ले रहे हैं SOP 3 जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, क्रिएट एंड इवेंट ड्रिवन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम फॉर द फॉलोइंग, मेक यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वेरिएबल्स, जावास्क्रिप्ट इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शंस एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। क्या करना है हमें, टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर एंड काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन द गिवन स्ट्रिंग। हमें यूजर से स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है और उसमें कितने वॉवल्स हैं वो यूजर को बताना है। ओके, तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम करेंगे SOP 3 जिसके लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बना दिया स्टूडेंट, ये है हमारा, सपोज हमने यहाँ पे दिया काउंट द वॉवल्स इन अ स्ट्रिंग। ओके, उसके लिए हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है, फॉर्म नेम इक्वल्स टू F1, यहाँ पे हमने नाम दिया फॉर्म को F1। अभी यहाँ पे हम लिख रहे हैं एंटर द स्ट्रिंग डेटा, उसके लिए यूजर को हम इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू A1। ओके, बटन बनाएंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इक्वल्स टू काउंट द वॉवल्स, ऑन क्लिक पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं फॉर्म क्रिएट हुआ, फाइल को हमने सेव किया। यहाँ पे हम एक और फोल्डर बनाते हैं SOP 3। SOP 3 में यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे फाइल का नाम दिया काउंट वॉवल डॉट HTML एंड सेव। ओके, SOP 3 में काउंट वॉवल ओपन विथ फायरफॉक्स। तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है एंटर द स्ट्रिंग डेटा एंड काउंट द वॉवल, ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया है। अब डेटा लेके हम यूजर से काउंट करेंगे कि यूजर ने जो डेटा एंटर किया है उसमें कितने नंबर ऑफ वॉवल्स हैं,
और बताएंगे यूजर को। ओके उसके लिए हमें यूज करना है स्क्रिप्ट टैग। सो यहाँ पे हमने दिया स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावा स्क्रिप्ट देन स्क्रिप्ट टैग क्लोज। अब यहाँ पे पहले पहले बनाते हैं हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं से str। str में क्या आएगा, str में यूजर ने जो F1 फॉर्म में वैल्यू डाली है A1 टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो str नाम के वेरिएबल में पास हो जाए। ओके ये स्टूडेंट हम इस तरह से लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट जो F1 फॉर्म है उसमें जो A1 नाम का टेक्स्ट बॉक्स है उसकी जो वैल्यू है वो str में जाके स्टोर हो जाए। अब यूजर कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिख सकता है, उसमें हमें हर एक कैरेक्टर को चेक करना है। तो हम यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे l। l में क्या आएगा, l में str के जितने भी कैरेक्टर्स यूजर ने लिखे हैं उसकी लेंथ स्टोर हो जाएगी। ओके अब नेक्स्ट एक और हम कैरेक्टर डिफाइन करते हैं समझो b, जो कि लूप के लिए काम आएगा। सो फॉर सो लूप में देंगे b इक्वल्स टू इनिशियलाइज b की वैल्यू 0 है। b का लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि स्ट्रिंग की लेंथ है और b में एवरी टाइम एक एक कैरेक्टर आगे जाता जाएगा। क्या करेगा ये चेक करेगा, क्या चेक करेगा, कंडीशन में आएगा इफ। ना इफ कंडीशन में जाने से पहले हमें एक ऑपरेटर समझना है जिसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। चलिए देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। नाउ लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू वेरीफाई मोर देन वन कंडीशन एट अ टाइम और टू निगेट दैट इज कैंसिल आउट द कंडीशन। ओके जावास्क्रिप्ट है 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड, जिसमें हम डबल एंड का सिंबल यूज करेंगे, इसको बोलेंगे एंड ऑपरेटर। देखो एंड ऑपरेटर क्या करेगा, दिस ऑपरेटर इवेल्युएट्स टू ट्रू ओनली वेन ऑल इट्स ऑपरेंड्स आर ट्रू। जब दोनों कंडीशंस ट्रू होगी तो ही वो इवेल्युएट करेगा, अदरवाइज नहीं। मीन्स दोनों कंडीशन को चेक करेगा। अभी जैसे यहाँ पर है वेर एज इक्वल्स टू 25, एज वेरिएबल की वैल्यू हमने 25 रखी, देन वेर सैलरी इक्वल्स टू 50,000। ओके वे सैलरी में दिया 50,000। इफ एज इज ग्रेटर देन 55 एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 20, मतलब ये इफ कंडीशन दोनों को चेक करेगा कि एज जो है 55 से ऊपर होनी चाहिए एंड जो सैलरी है वो भी 25,000 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इवेल्युएट्स ऑफ फॉल्स एंड सेकेंड कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू, सो द होल एक्सप्रेशन रिटर्न्स बुलियन वैल्यू एज फॉल्स। दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही ट्रू दिखाएगा, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये जो है वो फॉल्स दिखाएगा। दूसरा होता है और ऑपरेटर, जिसके लिए हम ये बार साइन यूज करते हैं। दिस ऑपरेटर इवेल्युएट्स टू ट्रू व्हेन ओनली वन ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू। ओके फॉर एग्जांपल नंबर इक्वल्स टू -1, नंबर की वैल्यू हमने -1 दिया, इफ नंबर इज लेस देन 0 और नंबर इज ग्रेटर देन 100, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू एंड सेकंड कंडीशन इवेल्युएट्स टू फॉल्स, क्योंकि 0 से कम जो है वो -1 है बट जो नंबर है -1 इज नॉट ग्रेटर देन 100, मतलब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन सिर्फ ट्रू हो रही है। सो द होल एक्सप्रेशन रिटर्न्स बुलियन वैल्यू ट्रू, मतलब दोनों कंडीशन में से भी कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो हमको ट्रू दिखाएगा। नाउ यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ नॉट। ओके दिस यूनरी ऑपरेटर इज यूज्ड टू इन्वर्ट द बुलियन एक्सप्रेशन, जैसे वेयर जेड इक्वल्स टू 0, जेड की वैल्यू जो है हमने 0 रखी, इफ नॉट इक्वल टू जेड इक्वल्स टू 0, अगर जेड की वैल्यू 0 नहीं है तो ही वो फॉल्स बताएगा। ओके तो हमें यहाँ अभी इस प्रोग्राम में यूज करेंगे और ऑपरेटर देगा। अब जैसे ये लूप में आया कंडीशन चेक करेगा, इफ स्ट्रिंग में कैर एट बी की पोजीशन बाय डिफॉल्ट 0 है, अगर वो ए वॉवल है और ऑपरेटर देंगे। ओके अगेन
सेम पोजीशन सेम को हम कॉपी पेस्ट करेंगे. ओके यहां पर आएगा ए के बाद ई आई. सो फर्स्ट ए वॉवल देन ई आई अगेन और ए ई आई ओ देन यू. ओके यहाँ पर क्या करेगा, लूप में आके हर एक कैरेक्टर को चेक करेगा क्या वो ए वॉवल है, ई है, आई है, ओ है या यू है. ओके एक बार चेक कर लिया, लूप में जाएगा, उसको काउंट करेगा. काउंट में हमने एक और वेरिएबल जिसमें बाय डिफॉल्ट जो है कोई भी वॉवल नहीं है. ओके जैसे ही वो चेक करेगा वो काउंट वेरिएबल में स्टोर करता जाएगा और एवरी टाइम काउंट का जो काउंट है वो 1 1 पॉइंट इंक्रीज करेगा. ओके नाउ उसके बाद हमें बताएगा अलर्ट, काउंट का जो नंबर है वो हमें बताएगा. अब ये मुझे एक फंक्शन बनाना है इसलिए हम क्या करेंगे, फंक्शन से चेक या डिस्प्ले, डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना रहे हैं. कर्ली ब्रैकेट ऑन, पूरा कोड को हम कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. उसके बाद फंक्शन को हम कॉल करेंगे बटन के ऊपर डिस्प्ले ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट. ओके फाइल को हमने सेव किया, फाइल सेव आ जाइए अपने फाइल में. इसमें सपोज यहाँ पे हमने डाला हेलो, यहाँ पे कितने वॉवल्स हैं, दो वॉवल्स काउंट, तो यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है तो. अब देखो ये लूप ने किस तरह से काम करना चालू किया. ओके पहले पहले क्या हुआ, पहले पहले यूजर ने जो टेक्स्ट बॉक्स में डेटा डाला वो एसटीआर में पास हुआ. तो यूजर ने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में डाला सपोज, यहाँ पर देखो स्टूडेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 है. ओके चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखो 5 दिखा रहा है आपको. ओके चलो देखते हैं यूजर ने क्या डाला, इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर हुआ, एसटीआर में. अब एल में क्या स्टोर होगा, एसटीआर में जितने कैरेक्टर्स हैं. लेंथ प्रॉपर्टी क्या करती है, काउंट करती है. तो अभी यहाँ पर कितने हमारे कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ओके सो एल में क्या हुआ, 11 जो है वो स्टोर हो गया. मतलब अब ये लूप क्या करेगा, हर एक कैरेक्टर को देखेगा और अगर उसमें से कोई वॉवल है तो वो काउंट में काउंटर में जाके स्टोर करेगा. ओके अब बी एक और वेरिएबल लिया लूप के लिए, बी की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि इंडेक्स नंबर क्या है, 0. तो यहाँ पे 0 मतलब ये आई चेक करेगा. ओके कंडीशन में जाएगा, देखेगा कि एसटीआर में कैरेक्टर एक्ट 0 पोजीशन पे क्या ए है, ई है, आई है, ओ है या यू है. ओके वॉवल्स चेक करेगा, अगर है तो उसको काउंट में स्टोर करेगा. वापस ये जाएगा फॉर लूप के पास. अब बी की वैल्यू क्या है, 0 प्लस उसको क्या करना है, 1 इज लेस देन 11. यस लूप के अंदर आएगा. अब यहाँ पे बी की पोजीशन 1, तो 1 मतलब ये दिस एन, एन चेक करेगा एन है क्या, नहीं है. वापस जाएगा फॉर के बाद, देन नेक्स्ट कैरेक्टर के बाद, इसी तरह ये 11 के 11 कैरेक्टर्स ही चेक करेगा और जितने नंबर ऑफ वॉवल्स इसको मिले तो वो काउंटर में स्टोर कर देगा और एंड में हमें वो काउंट करके बताता है. ओके चलिए देखते हैं एक और देखकर. हमने यहाँ सपोज हमने यहाँ पे दिया कितने हैं, यहाँ पे 2 ई और 1 का है, मतलब 3 वॉवल. तो यहाँ पे देखो आपको 3 दिखाई दे रहा है. तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये लूप जो है पूरे लेंथ चेक करेगा और उसमें से जितने भी उसको वॉवल्स लगे, वॉवल्स मिले वो काउंट में स्टोर करेगा और लास्ट में काउंट में जितना नंबर है वो ऐड करके हमको बताएगा कि जो स्ट्रिंग डेटा यूजर ने डाला है उसमें कितने नंबर ऑफ वॉवल्स है. यही हमारा क्वेश्चन था. हमें क्या करना है,
to accept a string from user से string लेना है और count number of vowels in the given string. और जो user ने string दिया है उसमें से जो vowels हैं वो number total number of vowels count करके हमें बताना है कि user ने जो data enter किया है उसमें कितने number of जो है vowels हैं. Okay, student यहाँ पर हमारा जो JavaScript से related थर्ड चैप्टर था एडवांस जावास्क्रिप्ट वो यहाँ पर खत्म हुआ अलोंग विथ एसओपीस. ओके, मिलते हैं फिर अगले सेशन में.